faculty of SPIT, the other staff, and Puneet Chaturvedi, who introduced me so well that I was wondering whether do I have such qualities. Thank you, dear. Thank you. And my dear fellow engineers, future engineers of India. When Dr. Das invited me to talk to you on Indian heritage value addition into your kitty of knowledge, I leapt up. Though I am a professional lawyer, लेकिन मुझे अपना बचपन याद आया. स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते थे उन्हें साइंस ऑफर होता था, पर हम जैसे कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स वर कंसिडर्ड टू बी सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स. हमारे टीचर्स हमको उतना सम्मान नहीं देते थे, और असेंबली की लाइन में जब हम जाते थे तो अगर गलती से हम आगे बढ़ गए तो हमारे टीचर ए जरा कौन से सेक्शन के हो, और अगर बताया सर आर्ट्स के या कॉमर्स, पीछे हटो साइंस वालों को पहले जाना. तो उस उम्र से साइंस के स्टूडेंट्स के प्रति मेरे मन में इतना सम्मान आ गया कि कहीं भी साइंस का स्टूडेंट आज भी दिखता है तो लगता है सर पहले आप, हम तो सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स हैं, हमारी क्या वैल्यू है. और जब डॉक्टर दास ने मुझे फर्स्ट क्लास सिटीजन्स को एड्रेस करने के लिए बुलाया तो सोचो मेरी खुशी. पहली बार लगा बचपन से जितना भरा बैठा हूं सारी भड़ास निकाल दो. क्योंकि शायद आज पहली बार साइंस के स्टूडेंट सुनेंगे और आर्ट्स वाला कुछ भूलेगा. चलो, भगवान की कृपा थोड़ी देर हुई पर हुई. और मैं आपको बताऊं, इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जब हम बड़े हुए, फिर लॉ फैकल्टी में आ गए, वेरियस हाई कोर्ट्स में अपीयर होने लगे, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने लगे, तो धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ कि हम भी किसी लायक हैं. और जब ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ कि आर्ट्स कॉमर्स पढ़ के हम भी किसी लायक हैं, तो फिर जीवन में एक दुर्घटना घट गई. वो दुर्घटना थी कि मेरा ब्याह हो गया. और ब्याह हुआ तो साइंस से भी ज्यादा कठोर व्यक्ति जीवन में आया. उसने बताया कि मैं किसी लायक नहीं हूं, कुछ भी करूं वो कहें अरे आपको ये भी नहीं आता. तो धीरे धीरे फिर से रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वी आर सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स. बचपन से हमको एहसास दिलाया जा रहा है हम गलत गलत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं. मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ. आई वॉज आर्ग्यूइंग अ मैटर, हमारा नया नया ब्याह हुआ था, आई वॉज आर्ग्यूइंग अ मैटर बिफोर द चीफ जस्टिस कोर्ट, एंड इट वॉज अ वेरी हाई प्रोफाइल मैटर, वेरी इंटेंस आर्ग्यूमेंट वॉज गोइंग ऑन. Suddenly my assistant came from behind and said, sir, भाभी के बड़े frantic calls आ रहे हैं. And I was shaken up. अरे बाप रे, ये क्या हो गया. थोड़ी देर में लंच हुआ, so I called back कि हाँ क्या बात है, 8-10 call हैं.
सो शी सेड कि क्या कर रहे हैं आप. अब मैंने नई नई वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए बड़े गर्व की टोन में बोला, मैं चीफ जस्टिस के सामने मैटर आर्ग्यू कर रहा हूँ. उन्हें कोई असर नहीं हुआ. उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आते समय हरा धनिया ला सकते हैं. अब आप सोचिए कहाँ चीफ जस्टिस कहाँ हरा धनिया, कोई कंपैरिजन है. और सोचिए मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल कि कहाँ मैं तो इम्प्रेस करने का, मैं चीफ जस्टिस को हरा धनिया ले आना. ये ऐसा ही था जैसे आप स्वयं को सचिन तेंदुलकर समझें. सचिन तेंदुलकर हु इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ क्रिकेट, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ही इज हेल्ड. भारत सरकार ने तो उन्हें भारत रत्न दे दिया. और अगर वो अपनी वाइफ को बताएं कि अरे सुनो आज राष्ट्रपति जी ने मुझे भारत रत्न देने के लिए बुलाया है, और उनकी वाइफ का अच्छा अच्छा लौटते में जरा हरा धनिया ले आना. आप सोचिए मेरी वही स्थिति थी. और जब मैं वो हरा धनिया ले आया तो भी कॉन्फिडेंस को फर्दर मार तब लगी जब उन्होंने कहा ये आपको क्या धनिया खरीदना भी नहीं आता, इसमें इतने सारे पीले पत्ते. फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि पीले पत्ते वाला हरा धनिया नहीं खरीदना है. और जो भविष्य के इंजीनियर्स यहां बैठे हैं अपने आप को बड़े 30 मार्का समझ रहे हैं, मेरी सलाह है भैया जाके एक बार हरा धनिया खरीदो और ध्यान दो कि उसमें पीले पत्ते नहीं होने चाहिए, तब आपको अपनी लाइफ में अपनी पोजीशन पता चलेगी. वरना हमारा खुद का पर्सपेक्टिव अपने बारे में चाहे कुछ भी रहे मैटर वो करता है कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव आपके बारे में क्या है. एंड बाय दिस एनेक्डोट आई एम ब्रिंगिंग यू टू द नॉलेज ऑफ वेद, बिकॉज दिस इज व्हाट वेदांतिक प्रिंसिपल्स स्टेट, दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इल्यूजन व्हिच यू हैव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर अचीवमेंट्स. बिकॉज इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर यू आर सीइंग वेदांत से इज सिंपली अ पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण है. और वो सिर्फ और सिर्फ आपका दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से आप संसार को देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपका मन बहुत खुश है तो आपको पूरा संसार खुशनुमा दिखता है. और अगर कहीं आपके मन में कोई उदासी है तो सब कुछ कितनी भी खूबसूरत चीज हो आपका मन नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड यू आर इलेटेड विद हैप्पीनेस, एवरीथिंग लुक्स गुड. वर्ल्ड तो वही है. एंड इफ सडनली यू हैव लेस मार्क्स, यू आर अंडर स्ट्रेस, आपको सब कुछ बेकार लगने लगता है. ये दृष्टिकोण है. और एक ही समय में एक ही संसार को एक खुशनुमा व्यक्ति देख रहा है तो उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी देख रहा है तो उसको सबको बेकार लग रहा है. मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं. एक राजा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था. तो अपनी खूबसूरती को निहारने के लिए उसने एक शीश महल बनवाया और चारों तरफ शीशे लगवाए जिससे कि उसे आगे पीछे दाएं बाएं एक ही जगह खड़े होकर चारों तरफ अपनी छवि दिखे. और उस शीश महल में जाकर वो अपनी छवि निहारता था और खुश होता था. एक दिन उस शीश महल में एक कुत्ता चला गया. When the dog entered in that शीश महल, उसने इतने सारे शीशों में अपनी छवि देखी तो बौखला गया. वो समझ नहीं पाया इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए, और उसने भौंकना शुरू कर दिया.
और वो जितना भोंके शीशे वाला उतना उतना और भोंके, क्योंकि वो तो उसी की छवि थी। तो वो चारों तरफ घूम घूम के भोंके, दैट एज इफ ही इज अटैक्ड बाय सेवरल डॉग्स एंड ही वांट्स टू डिफेंड हिमसेल्फ। और इस पूरी प्रक्रिया में सुबह से शाम तक भोंक भोंक के वो मर गया। अब आप देखिए, शीश महल वही है, एक राजा के दृष्टिकोण से वो खूबसूरती का एपिटोम है, जहां जाकर वो अपनी खूबसूरती निहार रहा है, खुद खुश हो रहा है। और वही वही शीश महल उस डॉग के पर्सपेक्टिव से इट इज अ पॉइंट ऑफ डेथ। ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड इन दैट शीश महल। तो वेदांतिक प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ये जो कुछ आप संसार में देख रहे हैं, ये सब भ्रम है। ये ऐसा कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, ये सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है। जिस नजरिए से, जिस दृष्टिकोण से आप चीजों को देख रहे हैं, ये सब कुछ वैसा होता चला जाता है, कन्वर्ट होता है। एंड इट्स मैजिक, इट्स विजार्डी। हर चीज अपने दृष्टिकोण से अलग अलग लगती है। और इसी वजह से चाहे किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर देखिए, हर सब्जेक्ट में एक पहलू होता है इंटरप्रिटेशंस का। कानून में भी है, लॉ में भी हम इंटरप्रेट करते हैं लॉ के प्रोविजंस को। तो लॉ तो वही है, बट इंटरप्रिटेशंस बदलते चले जाते हैं। जीवन में भी वही है, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगता है, और आपके फ्रेंड की ओपिनियन उस व्यक्ति के बारे में कुछ अलग है। वो कहता है, अरे यार बेकार है वो। आप कह रहे हैं, अच्छा तो है। तो व्यक्ति तो वही है। फिर इंटरप्रिटेशन दूसरा अलग अलग क्यों है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दृष्टिकोण चीजों को देखने का अलग है। मुझे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत प्रभावित करता है। मेरे एक मित्र हैं, उनको बहुत बोरिंग लगता है। अगर मैं उनसे कहूं कि चलो कुछ दिन घूम के आते हैं, तो ही विल प्रिफर कि चलो दुबई चलते हैं। मैं कहता हूं, भाई शहर बॉम्बे जैसा वैसा दुबई, वहां क्यों जाना है? चलो किसी जंगल में नदी पहाड़ देखने चलते हैं। वो कहता है, अरे पागल हो क्या? ह्यूमन रेस इतने दिन तो जंगल वगैरह पहाड़ से क्रॉस करके इतने सिविलाइजेशन में आई, तुम वापस जा रहे हो। पर्सपेक्टिव अलग अलग है। किसी को जंगल, पहाड़, नदी, पानी अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को मॉडर्न डे आर्किटेक्चर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सब कुछ, पहला सिद्धांत जो मैं आपको गुरु मंत्र के रूप में वेदांतों की तरफ से देना चाहता हूं, वो ये कि जब भी जो चीज भी आपको परेशान करे, आपको फ्रस्ट्रेट करे, इरिटेट करे, तकलीफ दे, दुख पहुंचाए, और आप संसार में कारण ढूंढते हुए घूमे कि इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मुझे इतना स्ट्रेस है, तो ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जरूरत है आपको अपने दृष्टिकोण को करेक्ट करने की। जो कुछ फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, वो आपका दृष्टिकोण है। आपको लग रहा है ये बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है मुझे। आप अगर अपने आप को अंदर से करेक्ट करेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा।